हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इंडियन नेवी द्वारा शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये एक कोर्स होगा जिसको पूरा करने के बाद आपको जॉब दी जाएगी। इसमें एक्सटेंडेड नेवल ऑपरेशन कोर्स है और नेवल ओरिएंटेशन कोर्स NOC है। और इसमें अगर ब्रांच की बात करें तो जनरल सर्विस के लिए टोटल 45 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 हाइड्रो की वैकेंसी है। इसके लिए आपको BE या BTEC पास होना चाहिए किसी भी ब्रांच से कम 60% नंबर के साथ, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। अगली ब्रांच आपकी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC की है। इसके लिए आपको BE BTEC पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ, और इसमें आपके 12th में एग्रीगेट 60% नंबर होने चाहिए। इसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं, इसमें मेन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच में होनी चाहिए। ऑब्जर्वर की टोटल 8 वैकेंसी हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल की केवल 3 वैकेंसी होंगी। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच में होनी चाहिए। पायलट के इसमें टोटल 15 वैकेंसी हैं, इसके लिए भी आपको BE BTEC पास होना चाहिए। इसमें मेन और वुमेन दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वुमेन के लिए केवल 3 वैकेंसी हैं मैक्सिमम। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच में होनी चाहिए। अगली पोस्ट जो है लॉजिस्टिक की है। इसके लिए आपको BE या BTEC पास होना चाहिए किसी ब्रांच में कम से कम फर्स्ट क्लास, या फिर आपको MBA पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास, या फिर आपको BSc BCom BSc IT फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए। उसके साथ ही PG डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस में, लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन में, या फिर आप MCA या फिर MSc IT पास हो फर्स्ट क्लास। इसमें टोटल 18 वैकेंसी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए मैक्सिमम 6 वैकेंसी हैं। और इसके लिए डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। और एजुकेशन की टोटल 17 वैकेंसी हैं, इसमें अगर आप MSc पास हैं मैथ या फिर ऑपरेशनल रिसर्च से, उसके साथ ही BSc में फिजिक्स है, तो 4 वैकेंसी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट क्लास MSc पास हैं फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स विद मैथ इन BSc, इसके लिए 4 वैकेंसी हैं। और MA हिस्ट्री की टोटल 1 वैकेंसी है, जिसमें कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा BE BTEC कम से कम 60% नंबर के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब के लिए 2 वैकेंसी हैं एजुकेशन में। और BE या BTEC कम से कम 60% नंबर के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा 5 वैकेंसी जो है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में BE या BTEC पास कैंडिडेट के लिए है। इसमें कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग ब्रांच में जनरल सर्विस के लिए टोटल 27 वैकेंसी हैं। इसमें आपको BE BTEC पास होना चाहिए एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर मैकेनिकल, या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, या फिर मरीन इंजीनियरिंग, या फिर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर मेटलर्जी इंजीनियरिंग, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस की वैकेंसी है, जिसमें 34 वैकेंसी है और मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको BE या BTEC पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, या फिर टेली कम्युनिकेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में BE या BTEC है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट जो है नेवल आर्किटेक्ट की है। इसके लिए BE BTEC पास होना चाहिए एरोनॉटिकल में, एरोस्पेस में, या फिर सिविल, या फिर मैकेनिकल, या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, या फिर मरीन इंजीनियरिंग, या फिर मेटलर्जी, या फिर नेवल आर्किटेक्चर, या फिर ओशियन इंजीनियरिंग, या फिर शिप टेक्नोलॉजी, या फिर शिप बिल्डिंग, या फिर शिप डिजाइन में। टोटल 12 वैकेंसी है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका सिलेक्शन जो है मेरिट के आधार पर पहले आपको सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका SSB होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मैंने इसकी वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे। जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे आपके सामने फॉर्म फिल करने की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप घर बैठे तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो अनअकैडमी द्वारा इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक नया प्लान लॉन्च किया गया है जिसमें 7 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ, इस बैच को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले 7 महीने आपके प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। इसमें बेसिक टू एडवांस सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा।
उसके बाद अगले 2 महीने जो है आपके प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी और 5 जून 2022 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। उसके बाद 10 जून से आपकी मेंस की तैयारी स्टार्ट की जाएगी, जो कि अगले 3 महीने मेंस की तैयारी चलेगी, क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम जो है 16 सितंबर 2022 को होगा। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच चलाया गया है जिसमें सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। यहाँ पर टॉपिक वाइज बताया गया है कौन कौन से टीचर कितने दिन में किस दिन जो है आपका टॉपिक कवर कराएंगे। जैसे वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी जो है दीपांशु सिंह द्वारा कवर कराई जाएगी, ये टॉपिक आपका 50 घंटे में कवर किया जाएगा। इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री जो कि अर्पिता प्रकाश द्वारा 80 घंटे में कवर की जाएगी। इंडियन पॉलिटी जो है मुदित गुप्ता द्वारा 100 घंटे में कवर की जाएगी। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा जो कि बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में होगा। तो जो लोग ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने प्लस और आइकॉनिक दो प्लान खोल कर आएंगे। यहाँ पर आप आइकॉनिक सेलेक्ट करें क्योंकि प्लस में जितने बेनिफिट है आपको आइकॉनिक में मिलेंगे। उसके अलावा आपको पर्सनल कोच दिया जाएगा और आपका डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। इसके साथ ही डेडिकेटेड टेस्ट एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा 1-to-1। तो आप इसमें आइकॉनिक सेलेक्ट करें, उसके बाद आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें जिससे आपको करेंट प्राइस पे लगभग 10 से 15,000 का डिस्काउंट मिलेगा। और 10 से 15,000 तक का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग 20 बुक्स दी जाएंगी जो अनअकैडमी के बेस्ट एक्सपर्ट द्वारा तैयार की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 10,000 के करीब में है। ये आपको पूरी तरह से फ्री दी जाएंगी। इसमें आपका सारा सिलेबस 100% कवर होगा इन बुक्स में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड होंगे करंट अफेयर के साथ। और जो लोग लोन लेना चाहते हैं वो लोग 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ 0% इंटरेस्ट रेट में लोन प्राप्त कर सकते हैं। 2 घंटे में अप्रूव हो जाएगा। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत कम पेपर वर्क में आपको लोन मिल जाएगा और इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से फॉर्म फिल करके लोन ले सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।